विधानसभा चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं जनता ने भी चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा शुरू कर दी है। कोई क्षेत्र के विकास से नाखुश है तो कोई स्थानीय विधायक से, कहीं इलाके में नालियां बह रही हैं तो कहीं सड़क नहीं बनी, इसके लिए लोग क्षेत्रीय विधायक को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। मानिकपुर के मनका के निवासी कहते हैं कि क्षेत्रीय विधायक ने स्थानीय स्तर पर कोई काम नहीं किया, बल्कि गांव की राजनीति में हस्तक्षेप कर लोगों को परेशान किया है। इसलिए अगर बीजेपी यहां से प्रत्याशी नहीं बदलती तो इस बार बीजेपी का चित्रकूट की मानिकपुर सीट से जीतना मुश्किल हो जाएगा। यहां की जनता का कहना है कि उन्हें इस बार स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग यहां आकर केवल राजनीति करते हैं और उनके इलाके का दर्द नहीं समझते। ये सवाल पूछने पर कि इलाके की जनता की पसंद कौन है, तो लोगों का जवाब बीजेपी के युवा नेता नरेंद्र पटेल को लेकर मिलता है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि अगर बीजेपी नरेंद्र पटेल को टिकट देती है तो बीजेपी की सीट निकलनी तय है। मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे योगीनाथ, लेकिन विधायक बदलना है। क्यों बदलना है? बदलना इससे है कि हम लोगों को, गरीबों को कोई सहारा नहीं मिलता है, कोई सहारा यहाँ पक्षवादी होता है, तो इसलिए विधायक बदलना है। तो विधायक किसको बनाना चाहते हो? विधायक किसको बनाना चाहते हो? विधायक जो भाजपा प्रत्याशी होगा वही बनेगा। लेकिन अगर आनंद शुक्ला टिकट मिल रहा है तो फिर मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर आनंद शुक्ला को टिकट नहीं मिलेगा, अपने नरेंद्र पटेल जी आ रहे हैं, तो निश्चित है संभवतः जीत भाजपा के पक्ष में जाएगी। केवल इतना ही नहीं, विधानसभा क्षेत्र के बाकी लोगों से बात करने पर भी लोगों का कुछ ऐसा ही कहना है। लोग मौजूदा बीजेपी विधायक से खासे नाराज हैं। डोरिया माफी गांव के आदिवासी लोगों का भी ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ही होंगे, लेकिन यहां से बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना होगा, क्योंकि स्थानीय विधायक ने कोई काम नहीं किया है। क्या अभी आप लोगों की डिमांड है प्रत्याशी चेंज करने की? हाँ जी, ये तो पूरी तरह पाठा के क्षेत्र जितने भी लड़के हैं, हमारे साथी हैं, सभी लोग ये सबकी इच्छा है कि इस बार प्रत्याशी चेंज हो। और विकास का क्या है यहाँ पर मुद्दा? विकास तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो भी क्या बताएं कि कुछ काम किया हो? ऐसा कोई क्षेत्र में काम ही नहीं किया। एक ही रोड बनी है परानू बाबा की बरगढ़ मोड़ से, वही इतना काम हुआ है उनके जो इतना दिन कार्यकाल था उनका, हमारे विधायक जी का, इतना ही काम किए हैं वो। मुख्यमंत्री किसको चाहते हो आप? अब मुख्यमंत्री तो जो है वही रहेंगे, योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं जी। नाराजगी नहीं है, मेन नाराजगी है जिस जो वादा किया वो वादा पूर्ण नहीं हुआ, इस बात में नाराजगी है। तो क्या लग रहा है इस बार, किसका माहौल लग रहा है? इस बार तो सरकार बीजेपी का कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, लेकिन इस बार नेता चेंज होएगा। हमारी टीम ने ग्राउंड पर जब लोगों से बात की तो इनकी नाराजगी स्थानीय विधायक के लिए बेहद ज्यादा थी। स्थानीय लोगों की बात से साफ था कि अगर बीजेपी ने इस बार मौजूदा विधायक को टिकट दिया तो पार्टी के मानिकपुर क्षेत्र से हार निश्चित है। वैसे लोगों की नाराजगी को इलाके में टूटी सड़कें और सड़कों पर बहता नाली का पानी बयां करने के लिए काफी है। अस्तित्व न्यूज़ के लिए चित्रकूट से ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।